बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने चला गोत्र कार्ड, खुद को बताया शांडिल्य। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंदिर के पुजारी का हवाला देते हुए ममता बोली, पहले मेरा गोत्र मां माटी मानुष लेकिन व्यक्तिगत गोत्र शांडिल्य। बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, गिरिराज सिंह बोले, हार के डर से ममता को याद आया गोत्र। नंदीग्राम में कल होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, वहां तैनात की जाएंगी केंद्र बलों की 22 अतिरिक्त कंपनियां। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, ट्वीट कर पूछा, नंदीग्राम में जहां वो रहती है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में महिला से रेप हुआ, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को थम गया दूसरे चरण का चुनाव प्रचार, 1 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर कल होगी वोटिंग, नंदीग्राम में भी मतदान। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी ने झोंकी ताकत, ममता और अमित शाह ने किया प्रचार। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर बैठकर किया प्रचार, 3 किलोमीटर का सफर कर लोगों से मिली। नंदीग्राम के बलरामपुर में ममता बनर्जी के काफिले को रोककर लगे जय श्री राम के नारे, सीएम के खिलाफ भी नारेबाजी। आज तक से खास बातचीत में ममता बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा मतदाताओं को धमका रही बीजेपी। नंदीग्राम में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, शुभेंदु अधिकारी की जीत का भरोसा जताया। बांग्लादेश में पीएम मोदी के मथुआ समुदाय के मंदिर जाने को टीएमसी ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव आयोग से की शिकायत। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हमला, टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप। कोयला तस्करी मामले में मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला से करीब 8 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ, अब 1 अप्रैल को भी होंगे सवाल जवाब। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, 85 साल की बुजुर्ग शोभा मजुमदार की मौत को लेकर जताई नाराजगी। शोभा मजुमदार की मौत पर आसनसोल में बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च, समर्थकों ने टीएमसी सरकार पर जताया गुस्सा। उत्तर 24 परगना में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बांकुड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, कई कार्यकर्ता घायल हुए। हावड़ा में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का विरोध, गो बैक के लगे नारे। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल में 2 रैली और 1 रोड शो, बेलूर मठ भी जाने का कार्यक्रम। आज असम के चुनावी दौरे पर अमित शाह 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। असम दौरे पर राहुल गांधी आज सुबह 9 बजे कामाख्या मंदिर में करेंगे दर्शन। कोल्लम में प्रियंका गांधी का चुनावी कैंपेन, बोली राज्य के लोग असली सोना लेकिन सीएम सोने की तस्करी कराने में व्यस्त। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रमोशनल वीडियो पर पार्टी की फजीहत, कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदम्बरम की पत्नी श्री ने देखा भरतनाट्यम वाला वीडियो क्लिप भी किया शामिल। तमिलनाडु में पलनीसामी पर दिए बयान को लेकर ये राजा की बड़ी मुश्किल, चुनाव आयोग ने मांगी सफाई, आज शाम 6 बजे तक का वक्त। उधर सरकार को कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का सुझाव, कहा लॉकडाउन जैसे फैसले से पहले लोगों को भरोसे में लेना चाहिए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती, पेट में दर्द की शिकायत के बाद पवार को एडमिट कराया गया। हरियाणा के सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे। बीजेपी विधायक से मारपीट के बाद थम नहीं रहा गुस्सा, रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका कैप्टन अमरिंदर का पुतला। 2022 के लिए कांग्रेस का फैसला, यूपी में 3 नए उपाध्यक्ष, 13 महासचिव और 53 सचिवों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी के जवाब में इमरान खान ने लिखी चिट्ठी, आतंकवाद के खात्मे का वादा करने के बजाय फिर अलापा कश्मीर। पीएम मोदी ने पाकिस्तान दिवस पर इमरान को लिखी थी चिट्ठी, शांति सौहार्द के लिए आतंकवाद रहित माहौल जरूरी। पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे का बड़ा बयान, आज तक से बोले हमने नहीं खोई अपनी जमीन। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि चीन से गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर चल रही है बातचीत, सरहद पर हर चुनौती के लिए तैयार है सेना। परमवीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 1 सदस्य कमेटी बनाई, 6 महीने में रिपोर्ट देगी कमेटी। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख बोले सरकार पर लगातार दबाव की वजह से फैसला सामने आएगा सच। मनसुख हिरेन केस में गिरफ्तार विनायक शिंदे और नरेश गोर को एनआईए ने
कोर्ट में किया पेश, 7 अप्रैल तक कस्टडी में भेजे गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कहा कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी बंद करें संजय राउत। आज बालासाहेब ठाकरे मेमोरियल की आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और मंत्री बालासाहेब थरोट भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आधी रात से लगने वाले लॉकडाउन का फैसला टला, फिलहाल 9 अप्रैल तक के लिए निर्णय। सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे एचएन रिलायंस अस्पताल में हुई भर्ती, 23 मार्च को हुई थी कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 28,000 नए केस, 140 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 4,758 नए केस, 10 लोगों की जान गई। नासिक में कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन का अनोखा फैसला, 1 घंटे से ज्यादा मार्केट में रुके तो प्रति घंटे देना होगा 500 रुपए जुर्माना। यूपी में 8वीं तक के स्कूल अब 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे, यूपी सरकार ने बढ़ाई समय सीमा। यूपी सरकार का आदेश, कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को दी जाएगी छुट्टी। मध्य प्रदेश में भी 8वीं तक के स्कूल अब 15 अप्रैल तक रहेंगे बंद, पहले 31 मार्च तक के लिए था बंदी का फैसला। 1 अप्रैल से उत्तराखंड जाने वालों को दिखानी होगी कोरोना की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट, सरकार ने जारी किया निर्देश। 1 अप्रैल से 45 से उम्र दराज सभी लोगों का वैक्सीनेशन शुरू, नजदीकी सेंटर में टीकाकरण के लिए दोपहर 3 बजे से रजिस्ट्रेशन की सुविधा। गुजरात में कोरोना के 2,220 नए मामले, जबकि कोरोना के चलते 10 लोगों की मौत। गुरुग्राम में बढ़े कोरोना के केस, एक दिन में 280 केस आने के बाद प्रशासन ने बढ़ाई टेस्टिंग। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, मोगा के सरकारी अस्पताल में बढ़ाए गए बेड। कानपुर के नारी निकेतन में कोरोना के 12 केस मिलने के बाद सभी के सैंपल लिए गए। यूपी के संतकबीर नगर में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, उप जिला अधिकारी कार्यालय पर दिखी लंबी कतार। बिहार के बाढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या, नाराज ग्रामीणों का कातिलों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। यूपी के महाराजगंज में दर्दनाक हादसा, नहाते समय नदी में पैर फिसल कर गिरने से 2 बच्चों की मौत। होशियारपुर में हनुमान मंदिर में चोरी के आरोपियों की जमकर धुनाई, फिर किया पुलिस के हवाले, सीसीटीवी में कैद वारदात। आगरा में पति के सामने महिला से गैंगरेप, 3 युवकों पर आरोप, हैवानियत के बाद नकदी और जेवर भी लूट ले गए गुनेगार। वाराणसी में नपुंसक कहने पर युवक ने अपनी भाभी को मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में एसपी आवास से महज 20 मीटर की दूरी पर मौजूद जिला अस्पताल में बवाल, डॉक्टरों की दौड़ा दौड़ा कर पिटाई। मरीज के साथ आए कुछ लोगों ने किया उत्पात, अस्पताल में जमकर तोड़फोड़, तमाशबीन बने रहे पुलिस वाले। हरदोई में नशे में दो भाइयों ने एक मंदिर के पुजारी पर ईंट से किया हमला, दोनों आरोपी गिरफ्तार। शामली में एक पुलिस वाले की दिलेरी, सामने आई डूब रहे युवक की बचाई जान। अंबाला में दुष्कर्म की पीड़ित महिला पर संगीन आरोप, पति के साथ मिलकर समझौते के नाम पर आरोपियों से अटे 12 लाख, पति पत्नी गिरफ्तार। बलिया में 2 कत्ल से सनसनी, एक वारदात में युवक की चाकू मारकर हत्या, तो दूसरी वारदात में एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को मार डाला। असम के धुबरी जिले में बुगरीवरी महामाया शक्ति पीठ में चोरी, सभी आभूषण गायब। पटना में 45 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या, कत्ल की वजह अब तक साफ नहीं। बारामती में एक पुलिसकर्मी की मौत, पुलिस के मुताबिक खांसी की दवा समझकर जहर पीने से गई जान। बंद में लापता बच्ची का शव नहर से बरामद, हत्या के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी। झांसी के चबूतरे के विवाद में कुछ लोगों ने युवक की पिटाई की, वीडियो हुआ वायरल। महोबा में आग की चपेट में आकर 40 बीघा फसल खाक, बर्बाद हुए किसान परिवारों का रो रो कर बुरा हाल। मेरठ के बीएसएनएल के कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप, घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाने में मिली कामयाबी। अलीगढ़ की फल मंडी में आग लगने से लाखों का सामान स्वाहा, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। मुजफ्फरनगर में मामूली सी बात पर 2 पक्षों में भिड़ंत, गोली लगने से 1 शख्स की मौत, 2 जख्मी। बुलंदशहर में बिजली पोल से दबकर 2 बच्ची और 1 बच्चे की मौत, खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी।
ड्रग्स केस में एनसीबी ने अभिनेता एजाज खान से की पूछताछ। कुछ ठिकानों पर एनसीबी ने छापे भी मारे। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे की एक और लग्जरी कार जब्त की गई। अमरावती में सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन। पोस्टर को पहनाए जूते चप्पलों की माला। मुख्तार अंसारी पर पोर्टल लगाने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह पर दर्ज आपराधिक केस वापस। यूपी सरकार का फैसला। एलजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज का बड़ा बयान। समस्तीपुर में बोले, बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बंगाल के दुर्गापुर में एक कार में लगी आग, मची अफरा तफरी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सड़क किनारे कुएं में गिरी गाड़ी, दो लोगों की मौत। संगरूर में किसानों का महासम्मेलन, पंजाब के कई कलाकार हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के सुपोर के आतंकवादी हमले में अब तक 3 लोगों की मौत। गोलीबारी में एक जवान की भी शहादत। होली के दिन शराब नहीं मिली तो 3 लोगों ने पी सैनिटाइजर, 2 की मौत। कुपवाड़ा के तंगधार में सेना के जवानों ने पेश की मिसाल, एक महिला के बचाई जान। किसानों के समर्थन में उतरे भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव, बोले सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए। धौलपुर में पत्नी के मायके से नहीं आने से नाराज शख्स 50 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ा। 2 घंटे से मान मनावल के बाद क्रेन की मदद से उतरा नीचे। इस साल होने वाले आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालेंगे ऋषभ पंत। श्रेयस अय्यर की इंजरी की वजह से फैसला। कच्चे तेल की कीमतों में कमी से फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 23 पैसे सस्ता हुआ। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा हवाई सफर। डीजीसीए ने बढ़ाई एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस। आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों के बावजूद 2020-21 में रुपया 4% मजबूत। आरबीआई की नीतियों का मिला फायदा। 6 दिनों के बाद खुला स्वेज नहर का जाम। भारतीय क्रू वाला कंटेनर शिप मंजिल की ओर बढ़ा। साल के आखिर तक देश में 7 ई कार उतारेगी टेस्ला। 60 लाख रुपए से होगी एंट्री लेवल कार की शुरुआत। वहां जाकर जांच करने वाली डब्ल्यूएचओ की टीम का बयान, अब तक नहीं पता चला स्रोत। कैनेडा में नहीं लगाई जाएगी 55 साल से कम उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन। क्लॉटिंग की वजह से कैनेडा ने लिया फैसला। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 12 करोड़ 87 लाख से अधिक लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। न्यूयॉर्क में 65 साल के बुजुर्ग पर एक शख्स ने किया हमला। सीसीटीवी में कैद वारदात, तलाश में जुटी पुलिस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने वियतनाम लड़ाई में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।